डॉक्टर इलाज कर रहा, 3 लाख रुपये लेंगे डॉक्टर। पैसे ले लिए डॉक्टर, पैसे ले लिए। क्या घटना होगी अभी भाई? घटना ये होगी, हमने 18 तारीख को अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिट कराया था दोपहर 2 बजे। उसके बाद यहाँ केस किया और उसको आईसीयू में रखा और आईसीयू से दूसरे आईसीयू में चेंज कर दिया, जहाँ कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। हर बार डॉक्टर को लेकर आना पड़ता बुला बुला के, और इसकी बेकायदा रिकॉर्डिंग इनके पास में, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की। हम जाते थे और डॉक्टर को बुला के लेके आते थे, और उसके बाद इन्होंने खुद अपनी मर्जी से 20 तारीख को हमें डिस्चार्ज दे दिया और पैसों के लिए सारा डंडा दे दिया हमारे कि रात को पैसे चाहिए। कितने पैसे मांगे आप भाई? 30,420 रुपए तो ये थे, और दवाइयों चार्ज अलग था। क्या हो गया, जाम लगाया आपने? हमारा बच्चा लाश पड़ी से, इसलिए जाम लगाया हमने। कैसे, क्या घटना हो गई? 3 दिन से एडमिट कर रखा था, रात को 11:30 बजे डिस्चार्ज कौन सा होता है ये बताओ आप। कहाँ एडमिट कराया था? आईसीयू में भर्ती है हमारा, पतंजलि हॉस्पिटल में। क्या क्या बात हो गई थी बच्चे की? आप डॉक्टरों से पूछो, डॉक्टर ने बुलाया हुआ बताएगा आपको। मैं क्या बताऊँ, मैं तो डॉक्टर थोड़ी ना, मैं क्या बताऊँ आपको। 2 दिन डिस्चार्ज मिला था कल परसों हमें, पहले भी यही ना बोला ले जाओ, ठीक है तुम्हारा इसका ईएनटी टेस्ट करो, यहीं पे हुआ एक्सपायर, तो घर से तो सांस ले तो हुआ, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर नहीं आया और मेरा बच्चा पतंजलि हॉस्पिटल में। हाँ जी, बलवान जी कहाँ के? तारबेड़ा का जी। कब हुआ था एक्सीडेंट? ये कल हुआ था जी। अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर जी निकल गया, पैसे ले लिए एडमिट, डॉक्टर नहीं। 2 लाख दे दिया आप, मांग रहे हैं? हाँ, नहीं 2 लाख जमा करवा लिए, डॉक्टर है नहीं, किस नाम से 2 लाख कर जमा करिए? पूरी रात डॉक्टर नहीं था। अभी नहीं है जी, अभी नहीं है, आए 10 मिनट में, आए 20 मिनट में। मरीज की स्थिति है? अच्छा, डेड हो चुका जी। आप लोग कहते डेड हो चुका? अब क्या बता रहे हैं आप? डेड बता रहे जी। अब मुझे पता लगा है एक्सपायर हो गया, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से 1.5 लाख रुपया ले लिया डॉक्टर ने, कह रहे हैं कि इलाज सही नहीं मिल पाया, लापरवाही रही लगातार। हाँ, इसकी हम जांच करेंगे अभी जाकर के, सर मुनासिब कार्रवाई करेंगे। रात को एक्सीडेंट केस आया, उनसे 3 लाख रुपए ले लिए, वो भी अभी यही है, वो कह रहे हैं कि वो भी डेड हो गया है, कोई डॉक्टर अंदर नहीं है, कोई रात को डॉक्टर नहीं था। तो हम इसकी जांच करेंगे अभी। रोड जाम किया है? हाँ, इसको करेंगे, जो हमारी मुनासिब कार्रवाई होगी वो करेंगे। जी जी जी, ठीक है। जो ये आरोप लगे थे हंगामों, क्या कहेंगे? ये आरोप 99% गलत है, क्योंकि मरीज हमारे पास एडमिट नहीं था। मरीज 18 को आया, 20 को दोपहर बाद छुट्टी हो गई थी, छुट्टी भी नहीं हुई, बल्कि वो डिस्चार्ज होने रिक्वेस्ट लेके गया था। आज सुबह वो आया जब ब्रॉड डेड था, और ब्रॉड डेड को एडमिशन कराना चाहता था, हम एडमिशन कर नहीं रहे थे। इसका दूसरा प्रमाण है कि आने से पहले यहाँ हुआ शहर के किसी दूसरे अस्पताल में गया, उन्होंने उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया, उसके बाद वो यहाँ हॉस्पिटल में आया टीवी कैमरा लेकर के, और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। ये सारा का सारा काम, जो मरीज एडमिट नहीं था, जो मरीज छुट्टी हो गई 2 दिन पहले, जो मरीज सुबह आता है ब्रॉड डेड, उसको क्या इलाज करें? वो हम पे इल्ज़ाम लगाने के ठोकराएगा, आपने हमारा इल्ज़ाम नहीं किया। इस तरह से अगर समाज चलेगा, इस तरह से लोग अस्पताल को ब्लैकमेल करेंगे, तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे इलाज करना। थैंक यू। घटना ऐसी है, इसमें ये गलत आरोप लगा रहे हैं मरीज। मैं आईएमए प्रेसिडेंट के नाते ये कहना चाहूँगा कि ये पेशेंट पहले एक हमारे एक किसी दूसरे अस्पताल में गया था, जहाँ इसको पहले ब्रॉड डेड घोषित कर दिया था, उसके बावजूद ये पेशेंट यहाँ आए और यहाँ आके ये कहना चाह रहे थे कि ये डॉक्टर इलाज करे यहाँ पे, ताकि डॉक्टर को और अस्पताल को ये बदनाम करे। इनका ये मोटिव लगता है पेशेंट का कि कोई ना कोई हंगामा करने का इनका इरादा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे जो सीरियस पेशेंट होंगे उनका इलाज करने से डॉक्टर और अस्पताल डरेंगे, इससे मरीजों का ही नुकसान है। आप देख रहे हैं अलग अलग जगह इस तरह से आते हैं, ऐसी लापरवाही भी होती है नहीं बार, जहां लापरवाही होती है उसको हम उसके पक्ष में नहीं, हम चाहते हैं मरीजों को अच्छा इलाज मिले और अस्पताल लापरवाही ना करे। अगर अस्पताल को लापरवाही करेगा तो उसके एक्शन हम ले सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से किसी को बदनाम भी ना करे, प्रेशर भी ना बनाए, नहीं तो उससे क्या होगा, सीरियस पेशेंट्स को लोग देखना बंद कर देंगे, ऐसे समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है।